Welcome to our channel CAD/CAM Solution Merit, and today we will create this bottle cap. And in this drawing we have six view, 1 2 3 4 5, and six of these both are the same isometric view. This is from the top and this is from the bottom. So iske andar ek section bhi hai which is from AA, so that you can see the thickness of this cap. Aur ye hai section view which is from AA, here it is. Okay, and this is top view and front view and this bottom view. So we'll start from section A. और हम जो क्या करेंगे, हाफ सेक्शन व्यू उसका बना के इसे रिवॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट बन के आ जाएगा. ओके, यहाँ पे हल्का सा एक स्टेप भी है. तो चलिए करते हैं इसको इधर से स्टार्ट. सो स्केचर ले लेते हैं और फ्रंट प्लेन पे आ गए हैं. और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक लाइन ले लेते हैं और लाइन जो रहेगी ये रहेगी 40 अप्रॉक्सीमेट. मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको स्पेसिफाई कर देते हैं 40, जो कि ठीक ही है, 40 ही टोटल आना था. और इसके बाद ये वाली शेप है ये हम बनाने वाले हैं. इसके लिए मैं लाइन लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लिक और कुछ इधर चलेंगे. फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए और इधर की तरफ चलेंगे और यहाँ से ऊपर जो शेप आपको दिख रही है सेम वही शेप हमें बनानी है. और बाद में इसको हम डायमेंशन कर देंगे. ओके, और ये जो लाइन बनाई थी इसको मैं रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ. और ये गैप है हमारा 40 का. और इसके बाद आ गए हैं बाकी डायमेंशन जो मुझे मिल रही हैं. पहले मैं वही ले लेता हूँ ये, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसको लेते हैं. ये 100 है डायमीटर, 50 का रेडियस हो जाएगा. और फिर आ जाइए, फिर ये जो गैप है इन दोनों लाइंस के बीच का ये 4 है, इसको 4 करेंगे. और इन दोनों लाइन के बीच का ये वाला जो गैप है ये भी 4 है. और इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों लाइन को कोलिनियर कर देते हैं. दोनों कोलिनियर हो जाएंगे. और इसको लिया और इस लाइन को लिया, ठीक है. और ये गैप कितना है ये अभी मेरे को मिलेगा इस वाले व्यू से. यहाँ पे एक तो है हमारे पास 16 का डाय और एक 24 का. तो जो अंदर वाला डाया है पहले वो ले लेते हैं, 16 का हाफ 8. यहाँ से लेते हैं इसको, वेट कर देते हैं. और ये वाला है हमारा 24 का हाफ हो जाएगा 12. ये 12 आ गया है. और इधर वापस चलते हैं, ये एंगल रह गया था हमारा, वो एंगल अब ले लेते हैं. यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा और एंगल इस 30. और ये जो गैप है आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद भी हल्का सा गैप है. ओके, सो ये जो गैप है ये 40 और ये 4, ये 4 है ऊपर से जो यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है. ये गैप नीचे का 4 दिख रहा है. और ये 82 का हाफ 41, एक ये डायमेंशन देनी है. तो स्केचेज हमारा जो हो गया है वो फुली कंस्टेंट है. इसे एग्जिट करते हैं और यहाँ से रिवॉल्व ले लेता हूँ मैं इस पूरे को 360 पे. और ये 360 एंगल पे आ गया है. ओके, कर देते हैं. ओके, तो ये पूरा बन गया है. अब जो चाहिए मुझे ये ऊपर का चाहिए, ये वाला स्केच.
तो इसके लिए स्केच करेंगे टॉप वाले पेज पे, और सर्कल ले लेते हैं। और डायमेंशन भी ले लेते हैं, ये है 52। और ये वाला जो है इसे डबल क्लिक करते हैं, ये 19.9.5 का हो जाएगा 19 क्लोज। और ये जो पॉइंट है इस हॉरिजॉन्टल के साथ कॉन्सिडेंट कर देते हैं, मैच हो गया है। ओके, अब इसे करते हैं फिनिश। और इसे कट करने से पहले फिलेट लेते हैं, इस वाली एज पे मुझे फिलेट चाहिए, और ये फिलेट है 4 का। और इसको अब मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, एक्सट्रूड सेलेक्ट रिवर्स साइड, और ये 40 - 4 = 36 सब्सट्रैक्ट। ओके, ये आ गया। और इसको हम पैटर्न कर देते हैं, कितने हैं ये 16। तो आपको यहाँ से लेना पैटर्न फीचर है ये वेक्टर और 16। ओके, और इसको कर देते हैं। इसके अच्छा हमारा बन गया है। होप आपको ट्यूटोरियल ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है अगर आप किसी या कुछ भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है जो कि समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा मैं। सो इसको मैंने पैटर्न कर दिया है। होप आपको ट्विटर प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।